ब्रूस ली, द किंग ऑफ स्पीड, इतिहास और अभी तक का सबसे तेज इंसान, जिसके लड़ने की स्पीड इतनी तेज थी कि उसे खुली आंखों से देख पाना भी मुश्किल था। इन्हें दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्टों में पहले नंबर पे गिना जाता है। ब्रूस ली के नाम इतने सारे रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना किसी भी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ब्रूस ली पूरी दुनिया में अपनी स्पीड और मार्शल आर्ट्स की वजह से जाने जाते हैं। ब्रूस ली ने अपनी लाइफ में कुल मिलाकर 7 हॉलीवुड पिक्चरों में काम किया था। ब्रूस ली की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसे कैमरे में भी देख पाना मुमकिन नहीं था, जिसके कारण डायरेक्टरों को उसे 7 या 8 बार स्लोअर करके दिखाना पड़ता था जब जाके वह स्क्रीन पर फिट होती थी। ब्रूस ली 1 सेकेंड में 5 से ज़्यादा पंच और 1 किक मार सकते थे। इतनी स्पीड अभी तक के इतिहास में किसी की भी नहीं है। इसी के कारण इन्हें द किंग ऑफ स्पीड कहा जाता है। ब्रूस ली जो रोज़ 5,000 से ज़्यादा पंच मार के प्रैक्टिस किया करते थे। ब्रूस ली पंचिंग बैग पे जो पंच मारते थे उसकी स्पीड और उसकी पावर हमेशा बढ़ती रहती थी। इसी के साथ जो ब्रूस ली की साइड किक थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि पूरे के पूरे पंचिंग बैग को हवा में झुला सकती थी और कई बार तो पंचिंग बैग को भी फाड़ दिया करती थी। ब्रूस ली जो कि पूरे दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे, इसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता था। इसी के कारण उन्होंने सर्जरी करवा के अपनी पसीने वाली ग्रंथि को निकलवा दिया था। 1-inch पंच, एक ऐसा पंच जिसमें ब्रूस ली किसी भी इंसान को अपने सामने 1 इंच से पंच मार देते और उसे दूर पटक देते थे। ये पंच इतना पावरफुल होता था कि भारी से भारी व्यक्ति भी इसे रोक नहीं पाता था। इसमें ब्रूस ली की स्पीड के साथ साथ उसका पूरा पावर लगा होता था। ब्रूस ली जो अपने अंगुलियों से कोका कोला के कैन को आसानी से तोड़ देते थे, जो कि आज के कैन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हार्ड होता था, जिसके पीछे ब्रूस ली की सालों की मेहनत लगी हुई थी। ब्रूस ली जो 64 किलो के थे पर उनकी जो किक पावर थी वह 120 किलो से भी ऊपर थी, जो किसी भी व्यक्ति को एक बार पड़ जाती तो वह आसानी से मर सकता था। ब्रूस ली जिसका कहना था दर्द आपको सिखाने के लिए आता है और जब आप सब कुछ सीख जाते हैं तो उसी के साथ दर्द भी चला जाता है, और इसी के साथ साथ ब्रूस ली का यह भी कहना था Empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. ब्रूस ली जो अपने पूरे शरीर के साथ 2 अंगुलियों से 100 से ज़्यादा पुशअप मार सकते थे, वह 1 अंगूठे से 100 से ज़्यादा पुशअप लगाया करते थे। ब्रूस ली मार्शल आर्ट की कला विंग चुन में इतने माहिर थे कि उनके मास्टर इप मैन के बाद विंग चुन कला में सबसे ऊपर उन्हीं का नाम है। इसलिए चावल के दाने को हवा में फेंक के उसे चॉपस्टिक से पकड़ने की क्षमता रखते थे। ब्रूस ली का पसंदीदा हथियार नान चाकू था, जिससे वे इतनी पावर जनरेट कर सकते थे कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को एक बार में ही मार सकते थे। उनके नान चाकू की स्पीड इतनी ज़्यादा होती थी कि वह सामने खड़े व्यक्ति की सिगरेट भी नान चाकू से जला देते थे, और इसी के साथ साथ वह नान चाकू से टेबल टेनिस भी खेलते थे और एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति को भी टेबल टेनिस में अपने नान चाकू से हरा सकते थे।
ब्रूस ली अकेले बड़े आसानी से 30 से 40 आदमियों को मार सकते थे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जब तक आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें।